मैं नहीं जानता कि अभी पेपर आने में कितना टाइम बाकी है, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी पेपर आने में सिर्फ 20 दिन बाकी है। अगर आप अभी भी पढ़ाई करोगे तो आप बड़ी आसानी से पेपर निकाल सकते हो। जब ईयर स्टार्ट होता है तो हम सोचते हैं कि अभी तो पूरा साल बाकी है, फिर जब आधा साल निकल जाता है तो हम सोचते हैं कि अभी तो कई महीने बाकी हैं, और वे महीने निकल जाते हैं तो हम कहते हैं कि अभी तो कई दिन बाकी हैं, और ऐसे ही करते करते एक दिन ऐसा आता है कि एग्जाम आने में सिर्फ एक दिन बचता है। फिर हम टेंशन में पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। दोस्त, अभी भी आपके पास 20 दिन बचे हैं। तुम चाहो तो इन 20 दिनों में अपनी नैया को पार लगा सकते हो। जिसे पढ़ना होगा उसके लिए 20 दिन काफी हैं, लेकिन जिसे नहीं पढ़ना होगा उसे तुम 20 साल दे दो, वो कभी पढ़ नहीं सकता है। उसे हमेशा उन कामों में इंटरेस्ट आएगा जिस काम में मौज मस्ती होगी। दोस्त, आपको पता है कि हमारी इस उम्र को किशोरा उम्र कहा जाता है। इसका मतलब है कि तुम्हें किस ओर जाना है। दोस्त, एक तलवार में तब तक धार नहीं आती जब तक उसे आग की भट्टी में जलाया ना जाए। आज आप अपने ऊपर काम करोगे, अपना ध्यान पढ़ाई पर रखोगे, तो तुम एक दिन आसमान में सूर्य की तरह चमकोगे। इसलिए इन 20 दिनों में किताबों में घुस जाओ, क्योंकि ये 20 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप फेल हो गए तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपसे 10th और 12th क्लियर नहीं हो रहा। तो क्यों सपने देखते हो यूपीएससी क्लियर करने के? छोड़ दो सपनों को, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे सपने तो इतने बड़े होते हैं कि हम आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, हम यूपीएससी को पाट करेंगे। तो सोचो, आप 2 घंटे पढ़कर यूपीएससी पाट कर सकते हो। आपको पता है कि पेपर आने में अभी 20 दिन बाकी हैं, फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी को तुम कैसे पाट कर सकते हो। दोस्त, अभी टाइम है अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने का। अभी आपके पास एक गोल्डन पीरियड है। दोस्त, अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आप बड़ी आसानी से पेपर निकाल सकते हो। और वो सीक्रेट है भगवान श्री राम। भगवान राम ने 14 सालों तक अपना राजपाट त्याग दिया, अपने कंफर्ट जोन को त्याग दिया। अगर तुमको भी सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें भी भगवान श्री राम की तरह राजपाट छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत दर्द होगा, लेकिन तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा, तभी आप लोहे में से खंजर बनोगे। तो क्या उस पत्थर को दर्द नहीं होता होगा? दर्द होता होगा, लेकिन उस पत्थर को भी पता है कि अगर आज दर्द सह लिया तो बाकी की जिंदगी बड़ी आसानी से कट जाएगी। दोस्त, आज तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा। भाई, आपके पास 2 चॉइस हैं। या तो आप आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण कर सकते हो, या फिर आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान कर सकते हो। चॉइस आपकी है। तो दोस्त, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन 20 दिनों में बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि हमारे देश में शिक्षित लोगों की जरूरत है। हमारा देश अमेरिका जापान से बहुत पीछे है, तो हमको भी उनके बराबर जाना है। जहाँ तक उन्होंने अपने पैर फैलाए हैं, उससे भी आगे हम अपने पैर फैलाएंगे। इसलिए अपने देश के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। जय श्री राम।